Hello everyone, welcome back to my channel, Let's Dissect Anatomy. Here we are going to discuss the part 2 of the skin and fascia. In part 1, we have discussed the epidermis and dermis with all the layers and functions of the skin. Now, the appendages of the skin. So, first of all, the nails, the hairs, the sebaceous glands and sweat glands, these are the appendages of the skin. First one, nails. The nail is actually a flat horny plate on the dorsal surface of the tip of the fingers and toes. ये जो dorsal surface है वहाँ के tip of fingers और toes पे present रहते हैं, horny flat plate like structure है, ठीक है. इट हैज़ अ रूट बॉडी एंड नेल फोल्ड. आप डायग्राम में दिख सकते हो कि दिस आर द नेल फोल्ड्स, दिस इज द नेल बेड, हियर इज द प्रेजेंट नेल रूट एंड द इन बिटवीन पार्ट इज कॉल्ड बॉडी. द रूट इज अ प्रॉक्सिमल एज, अ पार्ट एम्बेडेड विद इन द स्किन. तो स्किन के अंदर गया हुआ है पार्ट, दैट इज द नेल रूट. बॉडी इज एक्सपोज्ड पार्ट एंड हैज अ फ्री डिस्टल एज. ये जो वाला एक्सपोज वाला जो बाहर दिखता है, एक्चुअली दिस वन, दैट इज द बॉडी. एंड नेल फोल्ड जो साइड में हो, स्किन के साइड में जो है, दैट इज द फोल्ड ऑफ द स्किन अराउंड एंड ओवरलैप द नेल. नेल बेड इज वेरी वेस्क्यूलर विच कॉजिंग द पिंक कलर ऑफ द नेल एंड द जर्मिनल मैट्रिक्स लाइज बिलो द रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेल. Then second one, hair. These are the thin, elongated, keratinized structures present over almost all over the body except palms, soles, lips, glans penis, clitoris and labia minora. ये जगह को छोड़ के पूरी स्किन में हर जगह पे हेयर्स होते हैं, प्लस माइनस अमाउंट में. ईच हेयर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द हेयर मैट्रिक्स, a region of the epidermal cells at the base of the hair follicle. ये जो है पूरा hair follicle का base है, यहाँ से फिर ऐसे hair निकलते हैं, ठीक है. Part of the hair देखे हम तो, it has a shaft, it has a root and it has a bulb and papilla, ठीक है. तो ये जो वाला बाहर निकला हुआ पार्ट जो आपको दिख रहा है, दिस इज द हेयर फॉलिकल, जो हमें बाहर दिखता है ऊपर, दैट इज द हेयर फॉलिकल, ओके. ये वाला जो है अंदर, दैट इज हेयर रूट. और ये बल्ब जैसा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द हेयर बल्ब एंड विद इन विच देयर इज अ हेयर पैपिला. हियर यू कैन सी क्लियरली hair shaft, this one is the hair shaft, projects above the surface of the skin. It is the dead portion of the hair and consists of the keratinous material. The hair root and follicle is embedded within the skin. It is surrounded by a hair follicle, which is a tubular invagination of the epidermis into the dermis. ये brown color का जो आपको part दिख रहा है, this one. This one, this is the hair follicle. Hair bulb, तो ये जो bulb जैसा structure है, this one. The expanded extremity of the follicle, concaved at the end, located deep in the dermis. And papilla is the vascular connective tissue that occupies the concavity of the bulb. तो बीच में यहाँ पे जो है, that is the papilla. स्ट्रक्चर बात करें हेयर की, तो द हेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स एज सीन इन इट्स क्रॉस सेक्शन फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल. दीज आर मेड्यूला, कॉर्टेक्स एंड क्यूटिकल. जो मेड्यूला है, इट कंसिस्ट ऑफ मॉडरेटली कैरेटनाइज्ड एंड लूजली अरेंज्ड सेल्स. कॉर्टेक्स है, इट कंसिस्ट ऑफ हैविली कैरेटनाइज्ड एंड कॉम्पैक्टली ग्रुप सेल्स. वेल जो क्यूटिकल है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स विथ सेरेट एजेस.
द हेयर इज सराउंडेड बाय थ्री शीथ, तीन शीथ से कवर होता है, इंटरनल रूट शीथ, एक्सटर्नल रूट शीथ एंड कनेक्टिव टिश्यू शीथ. एंड द कलर ऑफ द हेयर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ द मेलेनिन प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेलेनोसाइट्स इन द जर्मिनल मैट्रिक्स ऑफ द हेयर फॉलिकल. स्किन का कलर हो या हेयर का कलर हो, हर एक का जो कलर है वो मेलेनोसाइट्स कितनी अमाउंट में और कितनी ज़्यादा डार्क मेलेनिन पिगमेंट रिलीज करता है उस पे है. टाइप्स ऑफ हेयर देखिए तो लेनिगो हेयर होते हैं जो आर फाइन एंड सिल्की हेयर विच कवर्स द फिटस. एकदम फिटस को जब बेबी जब बर्थ होता है बाहर निकालते हैं, अगर आपने देखा हो तो एकदम सिल्की थीन फाइन हेयर होते हैं उसकी बॉडी पे, उसको हम बोलते हैं लेनिगो हेयर. दूसरे है वो एंगोरा और टर्मिनल हेयर. दे आर लॉन्ग कोर्स एंड पिगमेंटेड. दे ग्रो कॉन्स्टेंटली इन लेंथ. फॉर एग्जाम्पल हेयर ऑफ द स्काल्फ, फेस, एक्जिलरी एंड प्यूबिक हेयर. ये जो चार जगह के हेयर है उसको हम टर्मिनल और एंगोरा हेयर बोलते हैं, जो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं. और थर्ड वेराइटी है डेफिनेटिव और विलस हेयर. दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप एंड दे ग्रो टू सर्टेन लेंथ एंड देन सीज टू ग्रो. तो जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ पे जो हेयर रहते हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, और वो कुछ लेंथ तक बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं. एरेक्टोपिलाई मसल, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम में ये वाला, दिस वन. अ बैंड ऑफ स्मूथ मसल कनेक्ट्स द अंडर सरफेस ऑफ द फॉलिकल टू द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द डर्मिस. तो फॉलिकल को डर्मिस के सुपरफिशियल पार्ट के साथ कनेक्ट करता है. इट मेक्स एन ऑप्ट्यूज एंगल विद द स्किन सरफेस. स्किन सरफेस के साथ ऑप्ट्यूज एंगल बनाता है. अ सेबेसियस ग्लैंड इज ऑफन एनक्लोज्ड बिटवीन एरेक्टर पिलाई एंड हेयर फॉलिकल. तो एरेक्टर पिलाई है जो और हेयर फॉलिकल है उसके बीच में कई बार वहाँ पे ही रहता है. इट इज़ इनर्वेटेड बाय सिंपेथेटिक नर्व फाइबर्स. इट इज़ इनवॉलेंट्री एंड रिस्पॉन्स टू द थर्मल और साइकोलॉजिकल स्टिम्यूलाई. ठंडी गर्मी में उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, और कोई साइकोलॉजिकल अगर अचानक स्ट्रेस आ गया या बहुत सारा स्टिम्युलेशन आ गया तो उसमें वो इनवॉलेंट्री अचानक से उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाता है. द फंक्शन ऑफ द मसल इज इट कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज टू इफेक्ट्स. द हेयर आर पुल्ड इनटू अ मोर वर्टिकल पोजिशन स्टैंड ऑन एंड अपीयरेंस कॉजिंग गूज बम्प्स. आपको जब गूज बम्प्स अगर अचानक से एकदम एक्साइट हो गए आप, फिर अच्छा बहुत ठंडी लग गई तो अचानक से हेयर फॉलिकल क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, गूज बम्प्स निकलने लगते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस एरेक्टर पिलाई मसल. इट कंप्रेसिस दिस सेबेसियस ग्लैंड. और इफ़ यू रिमेंबर सेबेसियस ग्लैंड कहाँ पे है, हेयर फॉलिकल और एरेक्टर पिलाई मसल के बीच में. उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, बीच में रहा जो सेबेसियस ग्लैंड है वो कंप्रेस हो गए, वो कॉजेज द एक्सक्लूजन ऑफ द सीबम. म्यूकस ऑयली मटेरियल रिलीज करना चालू कर देंगे. द गूज फ्लैश अपीयरेंस ऑफ द स्किन इज अ कॉमन फीचर्स ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड और इमोशनल स्टिमुलाई, जो मैंने आगे बोला वही. अब सेबेसियस ग्लैंड्स जो है दे आर द एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिकल्स एंड ईच हेयर फॉलिकल इज प्रोवाइडेड विद 1 to 6 सेबेसियस ग्लैंड. हेयर फॉलिकल के साथ में 1 to 6 सेबेसियस ग्लैंड होते हैं. उनका फंक्शन आपको पता है, इट सीक्रेट्स द सीबम टू लुब्रिकेट एंड वाटर प्रूफ द सर्फेस ऑफ द स्किन एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द हेयर फ्रॉम बींग ब्रिटल. ब्रिटल नहीं बनने देते हेयर को. बट एक उसका डिसएडवांटेज भी है कि प्यूबर्टी में वो एक्ने प्रोड्यूस करते हैं. ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सेक्स हॉर्मोन्स इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ द सीबम अकर्स. जैसे प्यूबर्टी आती है सेक्स हॉर्मोन्स इंक्रीज होने लगते हैं, उसके साथ साथ में ये सीबम का सिक्रेशन भी बढ़ने लगता है. इफ़ द ड्रेनेज ऑफ द सीबम इज ब्लॉक्ड. मैंने इफ़ यू रिमेंबर मैंने बोला था स्काल्प के लेक्चर में
कि यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड है, अगर आप हेयर वॉश फ्रिक्वेंटली नहीं करोगे तो वो उसका जो ओपनिंग है वो ब्लॉक हो जाएगा और सीबम नीचे कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहेगा। तो आपको यहाँ पे अगर स्काल्प है तो वहाँ पे छोटे छोटे बॉइल्स होने लगेंगे, और अगर फेस है तो वहाँ पे एक्ने डेवलप होने लगेंगे। सो दोनों का सॉल्यूशन एक ही है, दी बेटर स्काल्प एंड फेस हाइजीन बाय फ्रिक्वेंट वॉशिंग ऑफ द स्किन एंड हेयर ऑफ द फेस एंड स्काल्प। ओके, दे आर ओनली कन्फाइंड टू द फेस, पिंपल्स जो है फेस में ही रहते हैं, बाकी जगह पे नहीं होते हैं। देन सेबेसियस सिस्ट, वो भी हमने डिस्कस किया था, द माउथ ऑफ द सेबेसियस सिस्ट ओपन इन टू द हेयर फॉलिकल्स, सो इफ द माउथ ऑफ द ग्लैंड बिकम्स ब्लॉक्ड इट बिकम्स डिस्टेंडेड बाई इट्स ओन सिक्रेशन, खुद के ही सिक्रेशन से बड़ा हो जाता है और एक गांठ जैसा छोटा सा पाउच जैसा बन जाता है, फिल्ड अप विद द सीबम, दैट इज कॉल्ड सेबेसियस सिस्ट। देन स्वेट ग्लैंड्स, द स्वेट ग्लैंड्स आर लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, ये जो बाजू में आपको दिख रहा है दिस वन। ओके, सो इट इज़ द स्वेट ग्लैंड, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट्स, वन इज सिक्रेटरी पोर्शन एंड वन इज एक्सक्रेटरी पोर्शन। सिक्रेटरी पोर्शन इज लोकेटेड इन डीप डर्मिस इन द फॉर्म ऑफ ट्विस्टेड कॉइल्स, जो नीचे वाला जो ट्विस्टेड पार्ट है दैट इज द सिक्रेटरी पोर्शन, और एक्सक्रेटरी पोर्शन इज द लॉन्ग एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द सर्फेस ऑफ द स्किन। तो आपको जो नीचे का कॉइल्ड पार्ट दिख रहा है ये वाला, वो सिक्रेट करने का काम करता है, और ये जो पूरा लॉन्ग दिख रहा है जो स्किन पे ओपन हो रहा है दैट इज एक्सक्रेटरी पोर्शन, वो स्किन के ऊपर ओपन होता है। दे आर मोस्ट न्यूमरस इन द पाम सॉइल्स फॉरहेड प्यूबिक एंड एक्सिलरी रीजन, इफ यू नोटिस दिस आर द मेन साइट ऑफ परस्पिरेशन इन आवर बॉडी। इट हैज़ टू टाइप्स, एपिक्राइन एंड एपोक्राइन ग्लैंड्स, दो टाइप के उसमें ग्लैंड्स रहते हैं। एपिक्राइन ग्लैंड्स एंड एपोक्राइन ग्लैंड्स। सो एपिक्राइन ग्लैंड्स जो है, नेचर ऑफ सिक्रेशन कैसा होता है उसमें, तो वाटर ही होता है, विच कंटेंट्स NaCl, पोटेशियम, यूरिया, अमोनिया, वाइल जो एपोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें विस्किड होता है, वो कंटेंट्स द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। नो नीड टू राइट दिस डिफरेंस ड्यूरिंग राइटिंग द शॉर्ट नोट, जस्ट फॉर दी वन लाइनर और वाइवा। ठीक है, साइट ऑफ ड्रेनेज, स्किन सरफेस पे उसका ड्रेनेज होता है, और एपोक्राइन का इन टू दी पाइलोसेबेसियस कैनाल अराउंड दी हेयर फॉलिकल्स के अराउंड उसका सिक्रेशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, सो दे आर एपिक्राइन ग्लैंड आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, मेनली यही होता है, वाइल एपोक्राइन ग्लैंड है वो एक्जिला और प्यूबिक रीजन में ही मेनली देखने को मिलते हैं। फंक्शन ऑफ एपिक्राइन इज टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, वाइल फंक्शन ऑफ एपोक्राइन इज टू प्रोवाइड द कैरेक्टरिस्टिक बॉडी ऑर्डर। ठीक है, एज ऑफ एक्टिविटी, तो एपिक्राइन स्वेट ग्लैंड है थ्रू आउट द लाइफ एक्टिव रहता है, बट एपोक्राइन जो है वो खाली प्यूबर्टी के टाइम ही एक्टिव रहता है। न्यूरोजेनिक कंट्रोल, सो कॉलिनर्जिक पोस्ट गेंग्लियोनिक सिंपेथेटिक न्यूरॉन्स उसमें सप्लाई करते हैं, वाइल एपोक्राइन में एड्रिनर्जिक पोस्ट गेंग्लियोनिक सिंपेथेटिक न्यूरॉन्स सप्लाई करते हैं। कॉलिनर्जिक एड्रिनर्जिक एक्चुअली इट्स अ टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी दैट यू विल स्टडी इन डिटेल इन सेकेंड ईयर, बट अभी खाली याद रखना है आपको बस। एंडोक्राइन कंट्रोल एपिक्राइन में एब्सेंट है, एपोक्राइन में प्रेजेंट है, हॉर्मोन रिलेटेड है, प्यूबर्टी में ही देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई इट हैज़ अ हॉर्मोनल कंट्रोल। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एपो एंड एपिक्राइन ग्लैंड्स। क्लिनिकल टर्म्स थोड़ी देख लेते हैं। स्किन के जो इन्फेक्शन्स है, पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर टू द स्किन थ्रू नेल फोल्ड्स है, हेयर फॉलिकल्स है, सीबेसियस ग्लैंड्स है, वहाँ से इन्फेक्शन आ सकता है। उसमें मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन इन्फेक्शन इज द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉजेज द स्किन इन्फेक्शन। फिर एक कंडीशन है पेरोनाइकिया, इट्स इन्फेक्शन बिटवीन द नेल एंड नेल फोल्ड, जो नेल है जो और नेल का फोल्ड है जो साइड वाला, उसके बीच में कई बार आपका पस कलेक्शन हो जाता है, उसको पेरोनाइकिया बोलते हैं।
बॉयल है, इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स एंड सेबेसियस ग्लैंड्स जो स्काल्प में होता है, कार्बनकल्स इन्फेक्शन इन द सुपरफिशियल फेशिया अफेक्टिंग द सिंगल और ग्रुप ऑफ द हेयर फॉलिकल्स, बॉयल एंड कार्बनकल्स बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, हियर यू कैन सी ऐसी कंडीशन हो जाती है, पिक्चर में आपको दिख रहा है, ऐसे आपको थोड़ा सा पस फॉर्मेशन हो जाएगा। पेरोनाइकिया में इस तरीके से आपने, आपको खुद को भी हुआ होगा या घर में या बाहर में किसी को भी देखा होगा आपने कि ऐसे नेल के बेड फोल्ड में पस कलेक्शन हो जाता है। एक्चुअली पेरोनाइकिया को हम डिवाइड करें पार्ट में तो पर मीन्स थ्रू, ओकी मीन्स नेल एंड ईआर मीन्स एब्डोमिनल कंडीशन। सो नेल के थ्रू जो एब्डोमिनल कंडीशन डेवलप होती है दैट इज द पेरोनाइकिया। बंस जो मतलब जल जाता है इंसान, तो द स्किन बर्न्स आर जनरली कॉज्ड बाय हीट और इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल। ये तीन वे है जिसमें हमारी स्किन जो है वो जल जाती है, बर्न हो जाती है। दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग थ्री टाइप्स, फर्स्ट डिग्री बर्न्स, सेकेंड डिग्री बर्न्स एंड थर्ड डिग्री बर्न्स। फर्स्ट डिग्री बर्न्स किसको बोलते हैं? इट डिस्ट्रॉयज ऑनली एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस ऊपर का लेयर है उस उतना ही डिस्ट्रॉय होता है। एंड प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आर थोड़ा सा रेडनेस, पेन और स्वेलिंग रहता है, और 3 to 6 days में वो हील हो जाता है। सेकेंड डिग्री बर्न जो है इट डिस्ट्रॉयज द एपिडर्मिस एंड अ सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द डर्मिस। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द डर्मिस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हियर द रीग्रोथ फ्रॉम द रेमनेंट्स इज पॉसिबल, जो बाकी स्किन का पार्ट बचा है उसमें से रीग्रोथ पॉसिबल है। और इसका कॉमन फीचर क्या है? ब्लिस्टर। आपको अगर कोई जल गया तो आपको ऐसे बन जाता है ना ब्लिस्टर जैसा, पाउच जैसा ऊपर, फुंसी जैसा, दैट इज द ब्लिस्टर अ कॉमन। एंड पेन इज ऑफन सीवियर सिंस द स्किन नर्व्स आर इरिटेटेड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेलुलर डिस्ट्रैक्शंस एंड हील्स कम्प्लीटली विद इन फ्यू वीक्स। उसमें थोड़े वीक लगते हैं पर वो हील हो जाता है। जो थर्ड डिग्री बर्न है दे डिस्ट्रॉयज बोथ एपिडर्मिस एंड डर्मिस कम्प्लीटली एंड फ्रिक्वेंटली सम ऑफ द अंडरलाइंग मसल ऑल्सो। सो नो एपिडर्मल रेमनेंट्स आर प्रेजेंट, कुछ बचा नहीं है। स्किन एपियर्स वैक्सी, बहुत ज़्यादा जब बर्न हो जाती है तो सीधा नीचे से वैक्स जैसा निकलने लगता है। देर इज लिटल और नो फीलिंग ऑफ पेन बिकॉज नर्व्स भी सब जल चुकी है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है। हील्स बाय फॉर्मिंग अ स्कार, स्कार फॉर्मेशन होता है, नई पूरी स्किन रिजेनरेट होती है, या तो फिर उसको स्किन दूसरी कहीं जगह से ग्राफ्टिंग करके लाना पड़ता है तभी जाके होता है। नाउ द एस्टिमेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्किन, रूल ऑफ 9 बोलते हैं उसको, मतलब कितनी परसेंटेज बर्न हुआ है वो हम इस रूल के थ्रू काउंट कर सकते हैं। एक्चुअली वी विल गोइंग टू लर्न डिटेल इन सर्जरी इन द फाइनल ईयर और इन केस ऑफ BDS थर्ड ईयर, बट जस्ट दिस द सुपरफिशियल व्यू। हर एक एरिया वाइज उसको परसेंटेज दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो सबसे ऊपर के हेड एंड नेक का जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है उसमें 4.5% अगर फ्रंट पार्ट बर्न हो गया है तो उसको बोलते हैं 4.5% बर्न्स है। पूरा हेड एंड नेक बर्न हो गया है तो उसको बोलते हैं 9% बर्न है। सेम वे अपर लिम लोअर लिम में भी ऐसा ही है। अपर लिम में एंटीरियर पार्ट ऑफ द अपर लिम तो 4.5, पोस्टीरियर पार्ट है तो 4.5, मतलब ये पूरा एक अपर लिम जल गया है तो 9% बर्न है। दोनों अपर लिम जल गए हैं तो 9+9 18% बर्न है। सेम वे ट्रंक की बात करें, चेस्ट एंड ट्रंक, थोरेक्स एंड ट्रंक, तो उसमें 18+18, तो फ्रंट पार्ट जल गया है तो 18% बर्न है, बैक पार्ट है तो भी 18% है, दोनों है तो 36% बर्न है। सेम वे लोअर लिम में भी ऐसा है, आगे का पार्ट दोनों का है तो 9 9 18, पीछे का भी है तो 9 9 18, और दोनों है तो 36%। सो टोटल सबका परसेंटेज करोगे तो 99% आएगा एंड 1% इज दी फॉर दी पेरिनियल जेनाइटल रीजन्स। ओके, सो ऐसे 100% हो जाता है। कौन सा पार्ट जला है उसके हिसाब से हम उसके परसेंटेज निकाल सकते हैं और परसेंटेज के हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सीवियरिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज रूल ऑफ 9। सुपरफिशियल बर्न में
ऐसे होता है कि हील्स रैपिडली फ्रॉम द एजेस क्विकली डजेंट नीड अ स्क्रीन ग्रैब वाइल इन डीप बर्न हील्स स्लोली फ्रॉम द एजेस यूजुअली नीड्स अ स्किन ग्राफ्टिंग। अब फेशिया की बात करें, फेशिया इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। दो टाइप के होते हैं, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया जो आपको दिख रहा है ऊपर का स्ट्रक्चर, इट इज़ अ सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द लूज एडिपोज टिश्यू एंड लूज एल्यूलर टिश्यू। इट यूनाइट्स द स्किन टू द अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स। इट इज डेंस इन सम प्लेसेस एंड स्काल पाम ऑफ द हैंड सॉल ऑफ द फूट एंड कंटेंस द कॉलेजन बंडल्स। इट इज थीन इन द आईलिड ऑरिकल स्क्रोटम पेनिस एंड फ्लेक्शन क्रीजेज ऑफ द डिजिट एंड क्लिटोरिस। ओके, वहाँ पर वो थीन होता है। और उसका मेन फंक्शन क्या है सुपरफिशियल फेशिया का, इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ द स्किन ओवर द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, पैसेज फॉर द क्यूटेनियस वेसल्स नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द हीट लॉस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ एक्सटर्नल कंटूर ऑफ द फीमेल एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन और फीमेल में आप देखो तो जो स्किन का ऊपर का कंटूर है वो थोड़ा सा स्मूथ रहता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सबक्यूटेनियस टिश्यू और हाइपोडर्मिस। अभी थर्ड लेयर की बात कर रहे हैं हम स्किन का, डर्मिस हो गया, एपिडर्मिस हो गया और थर्ड वन है हाइपोडर्मिस। सुपरफिशियल फेशिया भी उसको बोल सकते हैं। द अमाउंट ऑफ फैट इन सुपरफिशियल फेशिया इज मोर इन फीमेल एंड चिल्ड्रन देन इन मेल। तो आपने जनरली अगर नोटिस किया है तो बच्चों को और फीमेल्स को ठंड कम लगती है, बिकॉज अमाउंट ऑफ फैट इज मोर इन फीमेल एंड चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू मेल। द फैट बीइंग अ बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, द फीमेल्स एंड चिल्ड्रन फील्स लेस कोल्ड देन द मेल्स। इट इज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ एक्सटर्नल कंटूर ऑफ द फीमेल। उसकी वजह से ही एक्सटर्नल कंटूर स्मूथ रहता है। डीप फेशिया की बात करें तो इट्स अ टफ इनलास्टिक मेम्ब्रेन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डिवॉइड ऑफ फैट विच एनक्लोजेस द बॉडी डीप टू द सुपरफिशियल फेशिया लाइक अ स्लीव। इट इज मोर डेंस देन सुपरफिशियल फेशिया। हियर द कॉलेजिनियस बंडल्स आर मोर कॉम्पैक्ट एंड रेगुलरली अरेंज्ड एंड यूजुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन्स। अब मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं डीप फेशिया, हर एक जगह अलग अलग उनके नाम रहते हैं। एक्चुअली है तो डीप फेशिया ही, बट जहाँ पे प्रेजेंट है डीप फेशिया क्या है, सुपरफिशियल फेशिया क्या है कि वो एंटायरली कवर करता है बाहर से कोई भी ऑर्गन हो या कोई भी बॉडी का पार्ट हो। और डीप फेशिया क्या करता है कि वो इन बिटवीन ऑर्गन, इन बिटवीन मसल्स, इन बिटवीन वेसल्स वहाँ पे रहता है। तो जहाँ पे वो जाता है उसके हिसाब से उसका नाम बन जाता है। द फर्स्ट वन इज इंटरमस्क्यूलर सेप्टा। तो इन द लिम डीप फेशिया सेंड फाइब्रस सेप्टा फ्रॉम इट्स डीप सरफेस टू हेल्प फॉर्म द कंपार्टमेंट्स ऑफ द मसल्स। मसल के अलग अलग ग्रुप्स में मसल्स को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, तो मसल के बीच में जाता है, तो उसका नाम वहाँ पे है इंटरमस्क्यूलर सेप्टा। द सेकेंड इज रेटिनाकुला। इट इज लोकलाइज्ड थिकनिंग ऑफ द डीप फेशिया अराउंड द joints which holds the tendons in place and prevents the bowstringling of the tendons. Tendons को अपनी जगह से हटने नहीं देता है, उनको fix रखता है, जैसे packing कर देते हैं ना हम टैप से कोई भी चीज़ की, उस तरीके से वो, देखो आप diagram में देख सकते हो joints के जगह पे उसको cover कर देता है, वहाँ पे deep fascia को बोलते हैं retinacula. फिर है एपोन्यूरोसिस। इन पाम्स एंड सोल्स इट थिकन्स टू फॉर्म्स द पामर एंड प्लांटर एपोन्यूरोसिस। पाम और सोल में वो थोड़ा सा थिक बन जाता है, तो वहाँ पे उसको एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। फिर फाइब्रस शीथ, एट सर्टेन साइट इट कंडेंस टू फॉर्म अ शीथ अराउंड द न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स।
कैरोटिड शीथ है, एक्सिलरी शीथ है, कैरोटिड शीथ, इफ यू रिमेंबर द कंटेंट ऑफ द कैरोटिड शीथ, वी हैव डिस्कस इट इन हेड एंड नेक पार्ट, तो आप देख लेना एक बार फिर से वो वीडियो तो पता चल जाएगा। तो वो ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड उसको पैकिंग करता है, तो वहाँ पे बोलते हैं उसको फाइब्रस शीथ। एंड फाइब्रस कैप्सूल, इट सम साइट स्प्लिट्स टू इंक्लोड द सर्टेन ग्लैंड्स टू फॉर्म्स देयर कैप्सूल, जैसे पैरोटिड ग्लैंड को कवर करता है, थायरॉइड ग्लैंड को कवर करता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को करता है, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल। इंट्रोसियस मेम्ब्रेन्स, इन द फोर आर्म एंड लेग इट इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म द इंट्रोसियस मेम्ब्रेन्स, मेनली फोर आर्म में और लेग में वो थोड़ा मॉडिफाइड होके वहाँ पे मेम्ब्रेन जैसा बनाता है, वहाँ उसको बोलते हैं इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। और लिगामेंट्स, द लिगामेंट्स ऑफ द जॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज द लोकलाइज्ड थिकन बैंड ऑफ द डीप फेशिया, तो ये सब कुछ डीप फेशिया ही है, बट जहाँ पे साइट पे, जहाँ पे उसका जो जो साइट पे है उसके हिसाब से उसका नाम है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन और वन लाइनर, राइट डाउन द मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया, डीप फेशिया के दूसरे कौन से मॉडिफिकेशंस हैं, तो आप ये सब उसमें काउंट कर सकते हो। ओके, डीप फेशिया ऑफ द नेक वी हैव डिस्कस इन डिटेल ड्यूरिंग द डीप फेशिया ऑफ द नेक इन हेड एंड नेक पार्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, दिस इज जस्ट अ डायग्राम ऑफ दैट। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द स्किन एंड फेशिया, होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टू योर फ्रेंड्स। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you.